हाय गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो यार सभी बच्चा लोग? नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल, कैसे हैं सब? सारे वेदंस कैसे हैं मेरे? हाउ आर ऑल माय वेदंस? विथ फुल जोश? यस, जोश इज हाय गाइस, हेलो एवरीवन, हाय, हेलो हेलो हेलो. तो आई थिंक सब बच्चे आ चुके हैं, फुल अटेंडेंस हो रही है, धीरे धीरे बाकी भी जुड़ जाएंगे. व्हाट डू यू से गाइस? राइट, यस, ओके. सो रौनक, मेरी स्क्रीन आ रही है वहां पे? एम आई गोइंग लाइव? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ गई मैं लाइव भी, आ गई. ओके, सो अब सिंस मैंने अपने आपको देख लिया है कि बिल्कुल परफेक्ट है सबको, सो नाउ दिस इज द टाइम वी शुड स्टार्ट द सेशन. तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यू का जो बचा हुआ पार्ट था. कल एक छोटी सी भूल हो गई थी मैम के कारण, जिसके कारण सेशन बीच में खत्म हो गया. यस गाइस, एनिमल टिश्यू करने वाले हैं एंड द मच अवेटेड टॉपिक दैट इज कॉकरोच. ठीक है, तो आज हम कॉकरोच करने वाले हैं. आपको पता है ये दोनों ही टॉपिक से अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं मिला के इस चैप्टर से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. बच्चे कहते हैं कि मैम इसे रटना है, बट आज रटने के साथ साथ अगर समझ भी लिया तो गाइज बहुत ही रॉकिंग परफॉर्मेंस तुम्हारा हो जाएगा. उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे तुम लोग को आज बतानी है. वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, यस, दिस इज योर चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दिस इज समथिंग विच कीप्स यू ऑलवेज अपडेटेड. चाहे कोई भी चीज हो, क्रैश कोर्स हो, बोर्ड की प्रिपरेशन हो, या यू नो मोटिवेशन बाय अरविंद अरोड़ा हो, या यू नो फिजिक्स हो गौरव सर, बायो हो, एवरीथिंग इज हियर ऑन वेदांतु नीट मेड इजी चैनल. सो डू सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल गाइज, राइट? एंड यस, उसके बाद यस, हमारे बहुत अमेजिंग नीट क्रैश कोर्स भी है. दिस अमेजिंग क्रैश कोर्स, इसकी फीचर्स क्या मैं आपको बता देती हूँ. वी आर गोइंग टू हैव 4 लाइव क्लासेस डेली. जैसे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, ऐसे ही मैं आपको वेदांतु की ऐप पे भी पढ़ा सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पे 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स और 1 केमिस्ट्री की क्लास डेली होगी, विच विल कवर द एंटायर 100% सिलेबस. 1 hour 30 minutes की ड्यूरेशन होती है पर क्लास. इसी के साथ साथ जो आपको मिलेगा वो होगा 134 सेशंस, जिसमें 20 फुल टेस्ट और 5 पार्ट टेस्ट होंगे. ठीक है, एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगी विद जी स्क्वायर. एंड यस, आप रिकॉर्डेड सेशन वापस से देख सकते हो अगर इफ यू मिस एनी क्लास बाय चांस. ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है मात्र 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 5949 रुपीज में मिलेगा, जस्ट 5949 इफ यू गो टू दिस लिंक. इस लिंक पे जाके इफ यू यूज माई कूपन कोड GANEET देन यू डोंट हैव टू पे दिस मच अमाउंट, जस्ट 5949, दैट्स इट. और इसी के साथ साथ घर बैठे बैठे आप बहुत कुछ, लॉकडाउन का टाइम है, यू कैन हैव यू नो फुल एडवांटेज ऑफ दिस. घर बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो ऑन द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांतु. उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे जाके जस्ट डाउनलोड द ऐप. उसके बाद यस, आपको जो भी अपना क्लास है आपकी, उसका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस लिंक. तो दिस इज आवर लिंक जिससे आप कोई भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो 120 डेज तक तो फ्री एक्सेस हम दे रहे हैं, उसके बाद हमें लगता है कि माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा. राइट गाइस, राइट कौशिकी, एवरीबॉडी, यस. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट स्टार्ट टूडेज सेशन. तो ये हमारा कॉकरोच, यस, यहीं से कॉकरोच शुरू हो रहा है. ओके एवरीबॉडी, सुपर रेडी? सो वी हैव ऑलमोस्ट 325 स्टूडेंट्स इन द लाइव चैट वॉचिंग द सेशन. अब क्लास शुरू हो रहा है, सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पे सुपर डुपर अटेंशन. पूरी अटेंशन है क्लास में, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में. फुल अटेंशन, सुपर अटेंशन इन द क्लास. एनसीईआरटी तैयार? 11th क्लास के एनसीईआरटी, स्टिकी नोट्स एंड पेन, ऑल 3 थिंग्स आर रेडी? यस, सुपर रेडी. खुशी आ गई है, कौशिकी आ गई है, ज्योति, निया, हाय निया, खुशबू, नोबल देव स्कूल यानी ईशा है लड़की का नाम शायद. यस, खुशी जाम, कार्तिक, स्वीट एंड क्यूट, ओके, सुब्रतो. तो आज हम बहुत अमेजिंग टॉपिक करेंगे, दैट इज कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. ठीक, अभी इसका फाइलम कौन सा है, लिखा हुआ है सामने, फाइलम है आर्थ्रोपोडा. ठीक है, दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. यस गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. यस, द फाइलम आर्थ्रोपोडा, सी वी आर गोइंग टू डू वेरी क्विक रिविजन ऑफ दिस टॉपिक, सो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी सुपर अटेंटिव इन द लाइव चैट बिकॉज आज हम बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे. ठीक है, सो फाइलम कौन सा गाइस, विच इज अ फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, ऑसम कुसुम लता, ऑसम. सो द आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑन अर्थ. ठीक है, यस,
तो एनिमल्स में अगर कंसिडर किया जाए दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम और इसकी क्लास कौन सी है विच इज अ क्लास ऑफ कॉकरोच कौन सी क्लास को ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ कॉकरोचेस क्लास इंसेक्टा विच इज अगेन द लार्जेस्ट क्लास अमंग द आर्थ्रोपोडा फाइलम सो दिस इज क्लास इंसेक्टा ठीक है फिर उसके बाद इसका जीनस है पेरिप्लेनेटा एंड देन इज अमेरिकाना स्पीशीज नॉक्टर्नल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्टर्नल दोज एनिमल्स व्हिच आर मोर लाइवली ड्यूरिंग द नाइट टाइम इट इज कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनिमल्स सो दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल एनिमल्स ओमनीवोर्स यानी कि भाई ये पत्ते जो मिलेगा खा जाएंगे उसको कहते हैं ओमनीवोर्स यानी कि दे कैन बी हर्बीवोर एज वेल एज दे कैन बी कार्निवोर हेंस दे आर ओमनीवोर्स ठीक है नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन ठीक है नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल सबसे पहला सवाल पूछ लू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो यहां पे हम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं इन चीजों को लिख लेना ये नीट प्लस है नीट बॉम्बर्स है तो ये आज का पहला नीट बॉम्बर है जो मैं आपको लिखवा रही हूं तो सेगमेंट की अगर बात करें हम तो एक है एम्ब्रियोनिक एक है एडल्ट यानी कि बचपन के कितने सेगमेंट्स है और एडल्ट में कितने सेगमेंट्स है सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन हेड थॉरेक्स एंड एब्डोमेन ठीक है सो वी हैव एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कोई बता सकता है हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं Can anyone tell me कि हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यस बच्चा लोग आई एम वेटिंग यस हेड में कितने होते हैं 6, 3, 11 वाओ सुमा जयदेव ने सबसे पहले आंसर दिया है यस 6 सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक स्टेजेस नहीं है वेरी गुड तो यहां पे लिखेंगे हम 6 थॉरेक्स में होते हैं 3 एब्डोमेन में होते हैं 11 जबकि अगर हम एडल्ट की बात करें तो ये 6 प्लेट फ्यूज हो जाती है टू फॉर्म 1 3 के 3 रहेंगे एब्डोमेन में हो जाएंगे 10 तो अगर एडल्ट की बात करें तो 14 सेगमेंट्स होते हैं जबकि हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की कॉकरोच की बात करें तो वहां पे कितने सेगमेंट्स हो गए 20 कितने हो गए 20 सेगमेंट्स हो गए पहली चीज तो ये अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है यस तो अब हम इनके सेगमेंट्स की बात करें फर्स्ट लेट अस कम टू द हेड पार्ट किस पर हम हेड पार्ट अब हेड पार्ट इसका जो एनसीईआरटी ने शब्द लिखे हुए हैं द शेप ऑफ द हेड इज वॉट काइंड यस द शेप ऑफ द हेड इज वॉट टाइप एवरीबडी इन द चैट बॉक्स जो शेप ऑफ द हेड होता है वो कैसा होता है बच्चा लोग यस इट इज ट्राइंगुलर इन शेप वेरी गुड इट इज ट्राइंगुलर इन शेप कैसा शेप होता है ट्राइंगुलर इन शेप होता है एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हाइपोग्नाथस क्या होता है हाइपोग्नाथस अब ये हाइपोग्नाथस क्या है अगर ये कॉकरोच की बॉडी है सब इधर देखेंगे अगर ये कॉकरोच की बॉडी है तो इसका हेड इस तरीके से होगा तो बॉडी के एक्सिस और हेड के एक्सिस में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री दिस इज कॉल्ड एज हाइपोग्नाथस माउथ इट्स गोइंग टू टेल मी द फंक्शन ऑफ एंटेनास दे हैव व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स यस एवरीबॉडी साइ द यस 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 गाइस कम ऑन क्विकली टेल मी व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस ऑफ एंटेनास आर फर्स्ट दे विल हैव ऑल्फैक्टरी मतलब कि सूंघने की क्षमता एंड वाइब्रेशन दे कैन फील द वाइब्रेशन दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर्स एंड दे हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दे कैन सेंस हु इज मूविंग एट व्हाट टाइम दिस इज अ फंक्शन ऑफ एंटेनास तभी कॉकरोच के एंटेनास हमेशा मूव करते रहते हैं टू सेंस कि उनके लिए कोई डेंजर तो नहीं है ठीक है देन द नेक्स्ट थिंग इन द हेड यू हैव आईज कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप ऑफ आईज डू कॉकरोच हैज यस गाइस बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाने आप लोगों ने आईज कितने तरीके की होती है कॉकरोच के पास दो तरीके की होती है फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल आई का दूसरा नाम है ओसिल आई इसी का ही तीसरा नाम है फेनेस्ट्रा तीसरा नाम है फेनेस्ट्रा ठीक है एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ आई है दैट यू हैव कंपाउंड आईज कौन सी आईज होती है कंपाउंड आईज ठीक है अब इन दोनों का फंक्शन क्या है व्हाट इज अ फंक्शन तो अगर हम फंक्शन की बात करें सिंपल एंड फेनेस्ट्रा दे आर देयर टू परसीव लाइट कितनी लाइट आएगी दैट इज अ फंक्शन ऑफ सिंपल आई हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट विल बी एंटरिंग इन टू द आईज ओके जबकि कंपाउंड आईज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन इनका क्या काम है इमेज फॉर्मेशन ये अल्टीमेटली इमेज बनाते हैं नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी कितने हेक्सागोनल शेप्ड ओमेटीडिया होते हैं
यस गाइस, अब मुझे पता लग रहेगा कि कौन कौन एनसीईआरटी बहुत धासु तरीके से पढ़ रहा है. यस, हाउ मेनी ओमेटीडिया आर प्रेजेंट इन वन आई ऑफ कंपाउंड आई. यस गाइस, अखिल बिट्टू ने सही आंसर दिया. वाओ अखिल बिट्टू एंड आकाश पटेल, आकाश समंता, वाओ. सो दे हैव 2000 ओमेटीडिया इन ईच आई. ओमेटीडिया, सो यही ओमेटीडिया है जो हेक्सागोनल शेप्ड होता है एंड इन्हीं का मेन फंक्शन होता है टू परसीव, टू फॉर्म इमेज. ठीक है, तो इन्हीं का काम है टू फॉर्म इमेज. ये लाइन की हमने एनसीईआरटी की. नाउ द नेक्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, व्हाट काइंड ऑफ विजन दे हैव. दे हैव मोज़ेक विजन, दे हैव मोज़ेक विजन. ओके, नाउ मोज़ेक विजन का रेजोल्यूशन ज्यादा होता है या सेंसिटिविटी ज्यादा होती है. मास्टर सवाल, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन का मास्टर सवाल. मोज़ेक विजन हैज गॉट मोर सेंसिटिविटी और मोर रेजोल्यूशन. मोर सेंसिटिविटी और मोर रेजोल्यूशन, हार्दिक very good, they are more sensitive, they have more sensitivity, more sensitivity but less resolution, but less resolution. Aayi baat sabko samajh mein? Is everybody writing every point? So we have written here the head first thing, it is triangular in shape, it is hypognathous, means perpendicular to the longitudinal axis of the body. It contains one pair of antennas which have olfactory receptors and tactile receptors. They have eyes, they have one pair of simple eye also called as oculi fenestra. The function is to perceive light. Then they have one pair of compound eye jiska kaam hai image formation. Har aankh ke andar 2000 hexagonal shaped ometidia hote hain jo mosaic vision banate hain jiski sensitivity zyada hoti hai but resolution kam hota hai. So this is about head part. ठीक है, नाउ द हेड पार्ट ऑल्सो कंटेन्स, हेड पार्ट ऑल्सो कंटेन द माउथ पार्ट्स. ओ माय गॉड, माउथ पार्ट्स, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ माउथ पार्ट्स डू कॉकरोच हैज. यस, किस तरह के माउथ पार्ट्स कॉकरोच के होते हैं. यस, वेटिंग फॉर द आंसर. यस ऋषभ, एवरी डे 9 बजे एंड 11 बजे मैम लाइव आती है. यस, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. आयशा अंशुप्रिया, वेरी गुड, द आंसर इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. सो दिस इज फर्स्ट नीट बॉम्बर क्वेश्चन फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला क्वेश्चन तो आपको देखा होगा, आ भी चुका है पहले के पेपर्स में. नाउ द माउथ पार्ट कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स, 5. द फर्स्ट इज कॉल्ड लेब्रम, द अपर लिप. Then the lower lip is called as labium. The jaw is called as maxilla. The side jaws, mandibles. And the tongue-shaped structure is called as hypognathus. Is called as hypognathus. Hypopharynx. क्या कहते हैं उसको? Hypopharynx. Sorry. ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल. यस, थैंक यू निया फॉर टेलिंग मी दिस. यस, ओके, ये 5 मैंने माउथ पार्ट्स लिखे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल, फ्रॉम दिस 5 पार्ट्स, इनमें से मूवेबल कौन सा है. मैक्सिला और मैंडिबल्स में से मूव कौन सा करता है जो इस तरीके से खाने को क्रश करता है. यस, मैंडिबल्स या मैक्सिला, कम ऑन गाइज, अगर ये फूड है तो इसको इस तरीके से क्रश कौन करता है, मूव कौन करता है, मैक्सिला या मैंडिबल्स, कम ऑन गाइज. विजय लक्ष्मी, वेरी गुड, मैंडिबल. कमल चहल, गलत. कमल आज गलत कैसे हो रहे आंसर्स. मैंडिबल्स, नॉट मैक्सिला. नो, दे आर मैंडिबल्स. सो मैंडिबल्स आर मूविंग इन शेप. ओके, सो दे with the help of abductor and adductor muscle they move in the horizontal direction to crush the food. ठीक है, अगर hypopharynx की बात करें तो यहाँ पे किस gland की duct open होती है, किस gland की duct open होती है. Come on guys, आज हम बहुत wonderful revision करने वाले हैं. Ma'am is going to write everything for you. Yes, कौन सी duct की glands open होती है on the hypopharynx. Come on, salivary gland. बिल्कुल सही है. The duct which opens on hypopharynx is salivary gland. Thank you, Anushka. Then you have labrum, the upper lip, labium, the lower lip, and maxilla. ठीक है, इन सबका काम भी biting and chewing में है, but these are the most commonly asked question from the head part. ठीक है, अभी हमने head part cover किया, अब हम आते हैं thorax पे.
किस पे आ रहे गाइस? थॉरिक्स. द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज थॉरिक्स. कितने सेगमेंट्स थे? तीन सेगमेंट्स थे. कितने सेगमेंट्स थे? तीन सेगमेंट्स थे. ठीक है, जो पहला वाला सेगमेंट है उसे कहते हैं प्रोथॉरिक्स. क्या कहते हैं? लिखो मेरे साथ चैट बॉक्स में, क्या कहते हैं? प्रोथॉरिक्स, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोनोटम. Pronotum, ठीक है. Then the second is mesothorax. Second is mesothorax. And the third is called as metathorax. Called as metathorax. So they have three segments in the thoracic area: prothorax, mesothorax, and metathorax. Right, guys? अब उसके बाद, yes. The first feature, prothorax से जो चीज बाहर निकल के आती है, that is called as first pair of prothoracic leg. Prothoracic leg. तो जो चीज prothorax से बाहर निकलती है उसे कहते हैं first pair of prothoracic leg. जो mesothorax से बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं second pair of mesothoracic leg. ठीक है, ये second pair है, mesothorax से निकल रही है तो mesothoracic leg. ठीक है, फिर आता है metathoracic, यानी कि ये meta थोरेक्स से निकल रही है तो नाम क्या होगा लेग का? मेटाथोरासिक लेग. मेटाथोरासिक लेग. तो ये तो हो गए इसके फीचर्स. ठीक है, नेक्स्ट विंग्स. ओहो ओहो, विंग्स पे अब हम आ रहे हैं. विंग्स विंग्स विंग्स. कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं बच्चा लोग? यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं थोरेक्स में? यस गाइस, हाउ मेनी पेयर? ओके, वृतिका, वेरी गुड वृतिका. अखिला, ऋतिक भूषण इंडियन, यस. देयर आर टू पेयर ऑफ विंग्स. कितने होते हैं? टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. ठीक है, जो पहला पेयर ऑफ विंग होता है वो इन दोनों के जंक्शन पे होता है. ठीक है, प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स के जंक्शन पे से पहला पेयर ऑफ विंग निकलता है. दैट इज डार्क, लेदरी, शाइनी, ओपेक. ठीक है, दिस इज नॉट यूज फॉर फ्लाइट बट इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेकेंड पेयर ऑफ विंग. सच विंग्स आर कॉल्ड एज डैश. 600 स्टूडेंट्स वी हैव इन द चैट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज टेगमीना. द अदर नेम इज टेगमीना और वट इज द अदर नेम गाइज? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. It is called as tegmina or called as elytra or elytra. दोनों चीजें अभी अपनी एनसीईआरटी में लिखनी है, tegmina or elytra. These are the first pair of wings coming from prothorax and at the junction of mesothorax. They are dark, leathery, opaque and used for protection. ठीक है, then the second pair of wing which comes from the junction of mesothorax and metathorax are membranous. Membranous, they are transparent, transparent, and they are used for flight. So this is a question which has been asked in the NEET examination like 2-3 times. They are used for flight. These wings are called as hind wings or meta wings, hind wings or meta wings. Right guys, so hind wings or meta wings. क्लियर है सबको? सब सेशन को लाइक करेंगे और जल्दी से स्माइली बनाएंगे चैट बॉक्स में कि यस मैम, थॉरेक्स के सारे पॉइंट्स कवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. एवरी सिंगल पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी इज फुली कवर्ड. राइट, सब सेशन को लाइक करेंगे और जल्दी से मैम को स्माइली बनाएंगे और बताएंगे कि यस मैम, सुपर डुपर क्लियर. ठीक है, ओके क्लियर. चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे. एब्डोमेन पे जाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाना, आज एक सिंपल सा डायग्राम बना रही हूं. दिस इज नीट बॉम्बर डायग्राम. नीट बॉम्बर डायग्राम, ठीक है, नीट बॉम्बर डायग्राम है, सिंपल सा है. देखो ये है इसका डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड, ये है लेटरल साइड्स. ठीक है, ये हो गया डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, लेटरल. ठीक है, जो प्लेट डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ये देखो अगर ये कॉकरोच है तो ये इसका डॉर्सल साइड, ये इसका वेंट्रल साइड और ये इसकी लेटरल साइड. ठीक है, तो जो इसके ऊपर प्लेट होता है उसे बोलते हैं टर्गाइट्स. क्या बोलते हैं इन्हें? टर्गाइट्स. सो द काइटिनस प्लेट्स
The chitinous plates present on the dorsal side of the body is called as tergite or tergum. ठीक है, वही chitinous plates जो body की ventral side पे होती है उन्हें हम कहते हैं sternite. क्या बोलते हैं? Sternites. ठीक है, और जो body की lateral sides होती है उन्हें हम कहते हैं pleurites. क्या बोलते हैं? Pleurites. और जितनी भी chitinous plates हैं they are connected through a flexible articular membrane called arthrodial membrane. तो ये plates किससे attached है बच्चा लोग? A thin flexible membrane से. Attached with thin flexible membrane called articular or arthrodial membrane. Articular or arthrodial membrane. Right guys? Right? Super duper correct. समझ में आया सबको? काइटिन फंगस में भी होता है, उसकी सेल वॉल में भी होता है. बिल्कुल सही बात. डायग्राम सबको क्लियर है कि व्हाट आर द लोकेशन, व्हाट इज द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. क्लियर सबको? निया, खुशबू, कौशिकी, डन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एब्डोमेन पार्ट. एब्डोमेन, एब्डोमेन में मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो स्ट्रेट अवे नीट में पूछी जाती है. यू हैव टू मार्क दिस लाइन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, अभी हम यहां पे मेल कर रहे हैं, यहां पे फीमेल कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज, एनल सर्काई प्रेजेंट इन बोथ और प्रेजेंट इन मेल और फीमेल? यस एवरीबॉडी, कहां प्रेजेंट होता है एनल सर्काई? मेल में होता है या फीमेल में होता है या बोथ में होता है? यस अनुष्का, एनल सर्काई आई एम आस्किंग. एनल सर्काई मेल में होता है, फीमेल में होता है या बोथ में होता है? यस, मेल फीमेल. वेरी गुड निया. यहां पे देखो कंफ्यूजन्स दिख रही है मुझे, कंफ्यूजन्स दिख रही है चैट बॉक्स में नलायको. नेल्स, एनल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एनल स्टाइल, वो गाना था ना स्टाइल में रहने का, कौन गाता है स्टाइल में रहने का? मेल गाता है. सो एनल स्टाइल्स और कॉर्डल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन मेल बट एब्सेंट इन फीमेल. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम द बोट शेप. बोट शेप एब्डोमेन किस में मिलता है? यस गाइस, बोट शेप्ड एब्डोमेन किस में मिलता है? बोट शेप एब्डोमेन, अनुप्रिया वेरी गुड, फीमेल में मिलता है. फीमेल में मिलता है बोट शेप एब्डोमेन क्योंकि यहां पे 7, 8 एंड 9 ये तीन जो स्टर्नाइट होती है वो फ्यूज हो जाती है टू फॉर्म अ बोट शेप एब्डोमेन. राइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी कंप्लीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी. सो ये देखो, ये है इसके एंटेना, कंपाउंड आई, हेड, प्रोनोटम, मेसोथोरैक्स, लेग्स, ये सब हमने कवर कर लिया है. एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, टेग्मीना, हाइंड विंग्स, एवरीथिंग. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट. ओके, द कंटेन हार्ट प्लेट्स, स्क्लेराइट्स, डॉर्सल को टर्गाइट कहते हैं, वेंट्रल को स्टर्नाइट कहते हैं, ज्वाइंट बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन. हेड ट्राइंगुलर होता है, 6 सेगमेंट से फ्यूज होता है, फ्लेक्सिबल नेक भी होती है, एंटेनास भी होते हैं. लेब्रम अपर लिप, मैंडिबल्स फॉर ग्राइंडिंग, मैक्सिला इंपेयर्ड, लेबियम लोअर लिप, हाइपोफैरिंक्स विच एक्ट एज अ टंग. देन हेड पार्ट वी हैव डन दिस, थॉरेक्स वी हैव डन दिस, पेयर ऑफ लेग्स, दे हैव पेयर ऑफ लेग, दे हैव टेग्मीना, दे हैव हाइंड विंग्स एंड अ पेयर ऑफ लेग. राइट, बिल्कुल. देन नेक्स्ट एब्डोमेन, 7, 8 and 9 is fused in case of female to form a boat shape abdomen. While in case of males, ventral is genital pore and gonapophysis. This I will tell you in details, don't worry. I'll tell you this in detail. Okay, तो सबसे पहले लग रहा है कि कॉकरोच का यही सिस्टम आ गया. So are you all set? बेटा एनसीआरटी कहाँ है तुम्हारी? Do you have your एनसीआरटी? Yes, digestive system लग रहा है आगे होगा. Yes, आगे है, कोई नहीं, हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं, नो वरीज. ठीक है, एनसीआरटी है तुम लोगों के पास क्योंकि आज मैं आपको क्विक नोट्स बनाने वाली हूं. कैसे इसके नोट्स बनाने हैं? बाय कवरिंग फुल एनसीआरटी. ठीक है, सो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एनसीआरटी रखनी है. पानी पी लेते हैं, लेट्स हैव अ वाटर ब्रेक. ओके, सुपर रेडी? मैम इज सुपर रेडी, आप भी सुपर रेडी. ठीक है, चलो सबसे पहले मेल की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. टेस्टिस, टेस्टिस कितनी होती है? वन पेयर होती है. सेकंड फीचर जो आपने लिखना है इसके सामने क्या लिखना है? वन पेयर के साथ साथ
लोकेशन इज 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है टेस्टिस एंड द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. द फंक्शन इज स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. तो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस में, वन पेयर होती है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है. डन. उसके बाद फिर उसके बाद लेंगे हम वास डिफरेंस. तो जो स्पर्म लेकर आएगी डक फ्रॉम द टेस्टिस दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. ये भी पेयर्ड होती है. ये भी क्या होती है गाइस, पेयर्ड होती है, जो टेस्टिस से शुरू होती है और इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्टिस एंड इट ओपन्स इन इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है. उसके बाद यू हैव इजैकुलेटरी डक्ट. दिस इजैकुलेटरी डक्ट इज सिंगल. क्या होती है इजैकुलेटरी डक्ट? सिंगल. गाइज यू हैव टू टेल मी, यस, इजैकुलेटरी डक्ट इज सिंगल इन नंबर. सिंगल होती है, ओनली वन होती है. ठीक है. यस. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू टेक द ग्लैंड्स. अब देखो ग्लैंड्स की क्या स्टोरी है. जब स्पर्म वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा था, जब स्पर्म टेस्टिस से वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा था, तब ये स्पर्म पहले गुजरा 2 ग्लैंड से. ठीक है. पहले ग्लैंड का नाम है मशरूम ग्लैंड, फिर उसके बाद है आपका सेमिनल वेसिकल. ठीक है. मशरूम ग्लैंड के 2 हिस्से हैं. एक है लार्ज टिब्यूल्स, जिसे हम कहते हैं यूट्रिकुलाई मेजोरिस. लार्ज टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं यूट्रिकुलाई मेजोरिस. एंड दूसरी है स्मॉल टिब्यूल्स. ठीक है. लार्ज टिब्यूल्स में क्या होता है, लार्ज टिब्यूल्स क्या है, पैकेजिंग करती है, जबकि स्मॉल टिब्यूल्स उसमें नरिशमेंट भरती है. ठीक है. तो ये थे हमारे स्पर्म्स. ध्यान से देखना, ये थे हमारे स्पर्म्स. इनके अंदर न्यूट्रिशन किसने भरा, किसने न्यूट्रिशन भरा बेटा, यूट्रिकुलाई ब्रिवोरिस ने. उसके बाद एक कोटिंग लगी किसकी, यस, कोटिंग लगी किसकी, यूट्रिकुलाई मेजोरिस. And this packaging is supported with the help of seminal vesicle. ठीक है. अब जो ये पूरा पैकेट है, ये कहां से गुजरेगा, इजैकुलेटरी डक्ट से. किससे गुजरेगा, गुजरेगा इजैकुलेटरी डक्ट. तो इसके ऊपर भी एक और लाइनिंग लग जाएगी. दिस इज अ सेकेंड लाइनिंग विच इज फॉर्म बाय द सिक्रीशन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? आर यू विद मी? यस. तो अब इसके ऊपर सेकेंड लेयर लग गई, वो किसकी थी, इजैकुलेटरी डक्ट की. उसके बाद इसके ऊपर फाइनल लेयर किसकी लगेगी, फेलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड. दिस टुगेदर पैकेट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर. इस पूरे पैकेट को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर. तो स्पर्मेटोफोर में क्या क्या है, स्पर्म्स है, नरिशमेंट है, 3 लेयर्स है. सबसे अंदर वाली लेयर कौन बनाता है, यूट्रिकुलर मेजोरिस. उसके बाद कौन बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट. और लास्ट कौन बनाता है, फेलिक ग्लैंड. सो दिस इज यूट्रिकुलाई मेजोरिस, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, एंड दिस इज व्हाट, द लास्ट वन, फेलिक ग्लैंड. ठीक है भाई, समझ में आया? एवरीबॉडी प्लीज सबके सब एक बार लिख दो कि यस मैम हमको समझ में आ रहा है. यस नहीं समझ में आया वापस बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. मैम यहीं पर, मैम कहीं नहीं भाग रही, मैम पढ़ाती रहेगी. यस कौशिकी देखो What happened? ध्यान से सुनेंगे सब. सबसे पहले टेस्टिस ने स्पर्म बनाया, स्पर्म गया वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से उसे जाना था इजैकुलेटरी डक्ट में. ठीक है. अभी जब वो जा रहा था तो उसके बीच में उसे 2 ग्लैंड्स मिले. ठीक है. पहला ग्लैंड था मशरूम, दूसरा था सेमिनल वेसिकल. इन दोनों की मदद से आपने स्पर्म्स के पैकेट बनाए, उसके अंदर नरिशमेंट भरा और एक कवरिंग बनाई. ठीक है. फिर ये पैकेट गया इजैकुलेटरी डक्ट में, तो उस इजैकुलेटरी डक्ट ने भी उसके ऊपर कवरिंग बनाई. फिर वो बॉडी से बाहर निकला, बॉडी से जब वो बाहर निकला तब जाके फेलिक ग्लैंड ने उसने उसके ऊपर 3री कवरिंग बनाई. राइट गाइस, अब समझ में आया? मानसी, हर्ष, अभी सबको क्लियर है? वापिस पूछ रही हूं, वापिस समझाया? डन. यस. चमका, सबको चमका, वेरी गुड. चलो, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आते हैं नेक्स्ट पे.
ओके ये फीमेल का है. अब फीमेल का देखते हैं. यस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू नीट बॉम्बर क्वेश्चंस. अभी यहां से क्वेश्चंस पूछूंगी तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना बच्चा. जिसने भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया उसकी लग जाएगी पिटाई. समझे ना लायको. समझे. चलो आ जाओ इधर. तो यहां पे सबसे पहले वी हैव वन पेयर ऑफ ओवरी. कितनी ओवरी है. वन पेयर ऑफ ओवरी है. ओवरी की लोकेशन देखे तो ये सेकेंड से सिक्स एब्डोमिनल ग्लैंड में होती है. वन पेयर होती है और हर ओवरी के अंदर आठ ओवेरियोल्स होते हैं. कितने ओवेरियोल्स होते हैं. आठ ओवेरियोल्स. तो टोटल ओवेरियोल्स कितने हो गए. यस गाइस टोटल ओवेरियोल्स कितने हो गए. अगर एक ओवरी में आठ ओवेरियोल है तो दो ओवरी में कितने होंगे. 16. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो यहां पे 8 यहां पे 8. ठीक है. हर एक ओवेरियोल में एक ओवा डेवलप होता है. ठीक है. तो यानी कि 16 ओवेरियोल से कितने ओवा डेवलप होंगे. यस अगर हर एक ओवा एक ओवेरियोल में डेवलप हो रहा है तो 16 ओवेरियोल से कितने डेवलप होंगे. यस गाइस 16 एग्स. ठीक है. तो यानी कि एक टाइम पे 14 से लेके 16 एग्स तक प्रोड्यूस होते हैं फीमेल कॉकरोच के अंदर एक साइकिल में. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट. जब ये ओवा बन गए व्हेन दे ऑल ओवर्स आर फॉर्म्ड दे गो इनटू अ डक्ट. दिस डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन ओविडक्ट और ओविडा. ठीक है. क्या बोलेंगे इसे. ओविडक्ट. उसके बाद देन फिर उसके बाद ये जाएगा वजाइना. यहां पे स्पर्मथीका. स्पर्मथीका कहां पे होता है. सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है. पेयर्ड होता है अनपेयर्ड होता है. यस गाइस स्पर्मथीका इज पेयर्ड और अनपेयर्ड. वेटिंग फॉर योर आंसर. स्पर्मथीका इज पेयर्ड और अनपेयर्ड. एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स. देखो अखिला गलत. सुकन्या गलत. वृतिका गलत. कृष्णा गलत. श्लोका गलत. सीमा ठीक. राहुल सही. विमल सही. देखो गलती पकड़ ली मैम ने. प्रॉमिस करो चैट बॉक्स में कि आप गलती रिपीट नहीं करोगे. स्पर्मथीका सिक्स सेगमेंट में होता है और पेयर्ड होता है. क्या होता है. पेयर्ड होता है. एक यहां है एक ये पीछे वाला. वन एंड दिस इज टू. ठीक है. सो इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. राइट गाइस. आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए. सुब्रतो ऑल माई स्टूडेंट्स आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर दिस टाइम. वेरी बैड. पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी. नलायको कब सुधरोगे. कब सीखोगे. सो देखो स्पर्मथीका इज इन सिक्स सेगमेंट विच इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द वर्क ऑफ स्पर्मथीका इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म. तो यानी कि यहां पे स्पर्म स्टोर करके रखे हुए हैं. तो ऊपर से ओवा आ रहा है यहां से स्पर्म आ रहा है. दोनों फर्टिलाइज करेंगे बनेगा जायगोट. तो यहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल. यस कौशिकी यहां पे जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल. यस गाइस अभी देखो बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन. इंटरनल. वृतिका वेरी गुड. तो कॉकरोच ऑलवेज शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जायगोट बना. ऐसे 9 to 10 एक 14 to 16 जायगोट एक साथ बनेंगे. इनको एक पैकेट में बना दिया जाएगा. इन 14 to 16 जायगोट के ऊपर एक लाइनिंग लगेगी. ये सिक्रीशन किसका होगा. कोलेट्रियल ग्लैंड्स का. किसका होगा. कोलेट्रियल ग्लैंड्स. तो यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला मैंने ऊथीका. नाउ माय क्वेश्चन नंबर वन पूछ लूं. एक ऊथीका में वन ऊथीका हैज हाउ मेनी फर्टिलाइज्ड एग्स. आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एक ऊथीका में कितने फर्टिलाइज्ड एग्स हैं. वेरी अमेजिंग क्वेश्चन. आज मैं तुम्हें वो लाइन समझाऊंगी एनसीईआरटी की जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. 14 to 16 वंडरफुल. एक ऊथीका में फर्टिलाइज्ड एग्स कितने हैं. 14 to 16. ठीक है. वही क्वेश्चन नंबर टू. एक टाइम पे फीमेल कॉकरोच 9 से 10 ऊथीका ले करती है. ठीक है. तो यानी टोटल नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स कितने हैं. यस गाइस इसे 15 ले लो ऑन एवरेज. इसे 15 ले लो. तो टोटल फर्टिलाइज्ड एग्स कितने उसने ले किए एक टाइम पे. यस
160, क्या बात है, 160 बिल्कुल सही है, 150 160 कुछ भी ले लो, नो वरीज। तो ये मतलब है, तो यानी कि व्हाट एनसीईआरटी सेज कि एक टाइम पे फीमेल कॉकरोच 14 से 16 एग प्रोड्यूस करती है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ऐसे 9 से 10 ऊथी का वो ले करती है इनटू द क्रेविसेस ऑफ वॉल्स। इज दिस लाइन क्लियर टू एवरीवन? सबको आज ये लाइन क्लियर है कि व्हाट एनसीईआरटी वाज ट्राइंग टू से यूजिंग दिस लाइन? लाइक करोगे सेशन को, एवरीबॉडी हैज टू लाइक द सेशन, क्विकली लाइक करो सेशन को और जल्दी से स्माइली बनाओ चैट बॉक्स में। क्लियर? अगर बेटा समझ में आ गया, मजा आ गया, तो एक लाइक कर दो और जल्दी से चैट बॉक्स में स्माइली बना दो। यस गाइस, है ना भाई? यस, देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, वी विल ऑलवेज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट बिकॉज वी पीपल आर ट्रू वेदंस, राइट? यस, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, अमेजिंग गाइस, वन लाइक वन शेयर एंड वन सब्सक्राइब फॉर वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, अमेजिंग। तो यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूं। तो ये सारे नीट बॉम्बर्स है आपके, नीट बॉम्बर, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कहीं की भी सीरीज उठा लेना, आपको कहीं का भी क्वेश्चन पेपर, दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज शोन बाय कॉकरोच? What type of development is shown by cockroach? Yes, guys. What type of development? External development, पिटाई कर दूंगी. Holometabolous, hemimetabolous, porometabolous. Yes. What is the name? Amber Gurley ने सबसे पहला सही आंसर दिया है. That is porometabolous. Porometabolous. So this is a type of development जिसके अंदर क्या होता है? Egg. Egg के बाद बनता है nymph. निम्फ के बाद बनता है एडल्ट, ठीक है? निम्फ के अंदर होता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड, कौन सा होता है? प्रोथोरैसिक ग्लैंड। अब जल्दी से मुझे बताओ, जो ये प्रोथोरैसिक ग्लैंड होता है, दिस प्रोथोरैसिक ग्लैंड, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है प्रोथोरैसिक ग्लैंड? यस, इन द चैट बॉक्स, दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू टूडे। यस, विच इज The hormone secreted by prothoracic gland. Waiting for the answer. Vikas, बिल्कुल सही, मक्खन जा रहा है. Ecdysin? Yes, yes, neotenin. बिल्कुल सही है. Very good, Shloka. The hormone name is ecdysone. Ecdysone. I think it should be neotenin. Neotenin. Which is also called as juvenile hormone. Which is also called as juvenile hormone. ठीक है? ये जो hormone है, ये इसे juvenile stage में रखेगा. But जैसे जैसे adult होता है, तो prothoracic gland goes away. जब एक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, then there is no more secretion of neotenin. ठीक है? वहीं पे एक और hormone होता है, ecdysone. This ecdysone hormone is a steroid hormone, which is responsible for molting. मतलब कि वो बड़े बनने में हेल्प करता है, जबकि जुवेनाइल हार्मोन उसे बच्चा रखने में हेल्प करता है. ठीक है? राइट गाइस, डन? हाँ, नहीं पता ना, इसलिए बता रही है मैम. बेटा बफरिंग हो रही है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहां पे मेरा सामने वीडियो चल रहा है. दिस इज कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल सही चल रहा है. अच्छा, एक बार ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से मुझे बताओ बफरिंग हो रही है क्या? यस एवरीबॉडी, बफरिंग हो रही है. I'm waiting for your Nia, please tell me बेटा, खुशी, कौशिकी, बफरिंग हो रही है क्या? कितने बच्चों को बफरिंग लग रहा है, हो रही है? क्योंकि I can also see my video, it is running completely fine on my screen. नहीं हो रही सुब्रतो, fun music नहीं, नॉबल नहीं, done? सब पॉइंट्स लिख रहे हैं? Yes, almost 600 बच्चे watching है, सब पॉइंट्स लिख रहे हैं, everyone is writing the points. पूर्वा, आरजू, राज, राजीव, रितिका, कोई नहीं, एक बार पूछ लेते हैं. हाय स्वीटी, यस एक बार पूछ लेते हैं नाम, नो प्रॉब्लम. यस डन, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन. और जिस बच्चों को भी बफरिंग का प्रॉब्लम है, व्हाट यू कैन डू, जस्ट रिफ्रेश योर पेज वंस, देन एवरीथिंग विल बी फाइन. ठीक है, रिफ्रेश कर लो एक बार. यस, तो चलो अब हम शुरू करते हैं द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये तो ना मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं सच बता रही हूं, ये मेरा फेवरेट है.
बहुत मजा आता मुझे ये पढ़ाने में कहोगे कि मैम कॉकरोच ही फेवरेट है आपका है ना भाई, मैम से कहोगे कि मैम कॉकरोच ही फेवरेट है, क्या बात है मैम, क्या बात है। यस, तो चलो कुसुमलता, यस कुसुमलता आगे मैं पढ़ा रही हूँ बेटा। तो देखो हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के। दिस एंटायर सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो इसके कुछ पार्ट्स के पहले नाम करते हैं। फोर गट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, माउथ, फिर उसके बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड। यहां तक आपका चलेगा फोर गट। क्या चलेगा बच्चा लोग? फोर गट। ऐसे आप भी फ्लो चार्ट बना लो, उसी के साथ में एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, उसके बाद गिजर्ड के बाद आपने लेना है दिस मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन विच इज अ मिड गट, ये हो गया आपका मिड गट। फिर उसके बाद है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ये तीनों पार्ट्स किसके हो गए? हाइंड गट के हो गए। पहले तो हमने इस तरीके से इसे सेग्रीगेट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। तो सबसे पहले खाना कहां एंटर करेगा? माउथ में, फिर जाएगा फैरिंग्स, फिर जाएगा ईसोफेगस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखने वाली है, ये तीनों पार्ट्स, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनके इनर साइड भी कौन सी लेयर होती है? क्यूटिकुलर लाइनिंग। क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट होती है इवन ऑन द इनर साइड, बाहर ही नहीं सिर्फ अंदर की साइड पे भी क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, हर चीज बताऊंगी, ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ सुनो। ठीक है, क्यूटिकल लाइनिंग होती है इनर साइड टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग फ्रॉम द फूड। ठीक है, नाउ द क्रॉप, क्रॉप का फंक्शन क्या है गाइस? स्टोरेज ऑफ फूड। क्या फंक्शन है? स्टोरेज। क्रॉप का काम है खाने को स्टोर करना और उसको सॉफ्ट करना, खिचड़ी जैसा बनाना। ठीक है, वही गिजर्ड, जी से याद रखना है आपको ग्राइंडिंग, जी से आपको याद रखना है ग्राइंडिंग। तो गिजर्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है दूसरा? प्रोवेंट्रिकुलस। ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है, जैसे हम गिजर्ड भी बोलते हैं, इसका काम होता है ग्राइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर होती है सिक्स काइटिनस प्लेट, यानी छह नोकीले काइटिन से बने दांत जो खाने को ग्राइंड करते हैं, जो खाने को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। जब ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा तब ये जाएगा मिड गट के अंदर। कहां जाएगा? मिड गट के अंदर। और फोर गट और हाइंड गट, मिड गट के बीच में क्या होती है? सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स। क्या नाम होता है इन टिब्यूल्स का? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो। सिक्स टू एट ब्लाइंड टिब्यूल्स है, क्या नाम है जल्दी से बता दो। व्हाट आर द नेम्स? यस, क्रॉप एंड गिजर्ड के बीच में स्ट्रोमोडियल बैग होता है, बिल्कुल सही निया, करेक्ट। हिपैटिक सीके, बिल्कुल द नेम है हिपैटिक सीका। क्या नाम है? हिपैटिक सीका, राइट मोहम्मद कैफ? यस। तो अब देखो ये जो हिपैटिक सीका है, यहां से आएंगे एंजाइम्स, एंजाइम्स आए, मिजेंट्रॉन में खाना आया, एंजाइम ने मिजेंट्रॉन पे काम किया, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की अल्टीमेट साइट कौन सी है? मिजेंट्रॉन। अल्टीमेट साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज मिजेंट्रॉन, एंड दिस फूड इज प्रोटेक्टेड बाय डैश मेम्ब्रेन। यस खुशी, कौन सी मेम्ब्रेन बनती है अराउंड दिस फूड? ओनली इन मिजेंट्रॉन, स्टार्ट्स विद पी गाइस। यस, व्हाट इज द नेम? स्टार्ट्स विद पी, जो बनती है खाने के आसपास इन मिजेंट्रॉन। यस, वेटिंग फॉर द आंसर बेटा। मेंटी योग्यता, आई एम रियली सॉरी, 11 बजे के सेशन में कोई मेंटी नहीं होता, यहाँ पे हम प्योर स्टडीज करते हैं। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, वाओ, आई थिंक निया ने यहाँ पे मचा दिया है, शी इज ओनली वन हु इज टेलिंग मी द आंसर ऑफ दिस मेम्ब्रेन। ओ नहीं नहीं नहीं, अब आदिति ने भी आंसर दिया है। अनसुज बेटा, कैसे कैसे नाम बड़े बड़े लिखते हो तुम। यस, अब बहुत सारे आंसर आ रहे। ऋतिक भूषण ने भी सही आंसर दिया, द आंसर इज पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। सो ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग को फ्रॉम द फूड।
ठीक है, उसके बाद इन दोनों के जंक्शन पे, यस, ईल मिजेंट्रॉन और ईलियम के जंक्शन पे होती है, यू कैन सी हियर 150 येलो कलर्ड टिब्यूल्स कॉल्ड मैल्फीजियन टिब्यूल्स, जिसका काम होता है एक्सक्रीशन, जिसका काम होता है एक्सक्रीशन एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज, बेटा मैं भूल गई, मेरे को हेल्प करो, जस्ट हेल्प मी टू रिमेंबर दिस. यस, व्हाट मैल्फीजियन टिब्यूल, एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, मैं थोड़ा भूल सी गई हूं, प्लीज हेल्प मी विद दिस. यस गाइस, प्लीज हेल्प मी विद दिस. यस, यूरिक एसिड, एब्सोल्यूटली. सो श्रेया प्रसाद, वेरी गुड. आकाश पटेल, वेरी गुड. द आंसर इज यूरिक एसिड. सो कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक इन नेचर, इट इज यूरिकोटेलिक इन नेचर. ठीक है, देन वी हैव ईलियम, कोलोन एंड रेक्टम. इन तीनों का फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन. सो द मेजर फंक्शन ऑफ ऑल दीज पार्ट इज द वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मिनरल जितना भी खाना है वो सब मिजेंट्रॉन में एब्जॉर्ब हो चुका है. राइट गाइज, डन, क्लियर, सेजल, डन, सबने आंसर दिया, सबको समझ में आया. जल्दी से सेशन को लाइक करो और स्माइली बनाओ, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हमारे देसी बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल तो भी आने वाले हैं. यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आने वाले हैं. तो यहां पे नीट बॉम्बर क्वेश्चन लिखवा रही हूं, नीट बॉम्बर क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड ऑन द डायग्राम ओनली. हाउ मेनी pair of, how many pair of salivary reservoir are present? Answers in the chat box. बेटा ध्यान से सुनना, डायग्राम को ध्यान से देखना एनसीईआरटी के, और अपना आंसर बता दो जल्दी से. Salivary reservoir, जहां पे concentration of saliva होता है वो कितने पैर में होता है? देखो यहां पे ऑलमोस्ट बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, बट तनु ने आंसर सही दिया, अशोक ने सही आंसर दिया, सुब्रतो ना 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 ना, वापस से देखो, ये देखो सलाइवरी रिजर्वॉयर पूछा है मैम ने, क्या पूछा है? ओके, डायग्राम तो चला गया लग रहा है. यस, आपके पास होगा. सलाइवरी रिजर्वॉयर कितना होता है? वन पेयर. कितना होता है? वन पेयर. अब सही आंसर आ रहा है. जस्ट सी और एनसीईआरटी, वन पेयर होता है सलाइवरी रिजर्वॉयर, जबकि सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में होते हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर इन कॉकरोच? सुब्रतो अब बिल्कुल ठीक बताया आपने, सुब्रतो वेरी गुड. सुब्रतो यस, अभी आपको यह बताना है कितने ग्लैंड के पेयर होते हैं इन कॉकरोच. टू पेयर, रितिका शर्मा, एब्सोल्युटली. सो हियर आर टू पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द कॉकरोच. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. काइटिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है सिस्टम में, एलिमेंट्री सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में काइटिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट और एब्सेंट? यस जतेंद्र कौशिकी, देखो बेटा यही सब चीजें जो आप इग्नोर कर देते हो एनसीईआरटी में. देख लो मैंने सवाल बनाया, कितने बच्चों ने पहले गलत जवाब दिया फिर सही जवाब दिया. आज के सेशन में मैंने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आज आपने गलत आंसर्स दिए हैं. सो आज जाके जो भी मैं पढ़ा रही हूं, प्रॉमिस करो कि एनसीईआरटी से एक बार क्विक रीडिंग जरूर लगाओगे. आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू इवन गेट अ माइनस वन इन अ सिंगल क्वेश्चन. मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ जो मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए. Yes, तो यहां पे प्रेजेंट होगा, एब्सोल्यूटली प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ये जनरली कुछ भी खाते हैं तो उसमें काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए दिस एंजाइम हैज टू बी देयर. राइट गाइज, राइट? यस. नहीं श्लोका, नहीं, ऐसे तो प्रोटीन एंजाइम्स हमारे अंदर भी निकलते हैं, प्रोटीएजेस, बट इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं पहले. राइट, तो अब आ रहे हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम. बहुत ही अमेजिंग है ब्लड वास्कुलर सिस्टम. हेयर इज योर ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो उससे पहले इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. लेट्स डू सम फीचर्स. ठीक है, पहला फीचर क्या है देखते हैं. ओके, फीचर. ओके, ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन और क्लोज्ड? जल्दी से आंसर चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए. ओपन और क्लोज, वी आर पिकिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम से हमने एक क्वेश्चन लिया है. हाय दिव्या, देखो आप लाइव आए यार, मुझे बहुत अच्छा लगा यार. ओपन और क्लोज्ड? यस,
देखो फिर कितने बच्चों ने गलत जवाब दिया, मैं तुम लोग की सच्ची पिटाई कर दूंगी आज। बट यहाँ पे श्री रंजनी ने सही आंसर दिया एंड श्लोका ने सही आंसर दिया, ओपन 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 बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई 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 दिल है या नहीं है? यस, कॉकरोच के पास दिल है या नहीं है? दिल माने हार्ट। वन लाइक वन शेयर एंड वन सब्सक्राइब फॉर वेदांतु नीट मेड इजी चैनल गाइज, है ना? एक तो बनता है, दिल और हार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, दिल तो है उसके पास, है ना भाई? बट किसके पास है ये हमें नहीं पता। तो हार्ट है, और हार्ट के पास कितने चेंबर्स है? 13 चेंबर्ड हार्ट है। कितना है? 13 चेंबर्ड हार्ट होता है, ठीक है। अब बेटा मैं एक डायग्राम बना रही हूं, जस्ट सी टू दैट डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है? सब उस डायग्राम, चलो एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, डायग्राम को सब बहुत ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से भी समझने की कोशिश करो ब्लड वास्कुलर सिस्टम को। सो दिस इज योर कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? अभी हम उसे साइड से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं, ठीक है। यहां पे इसके पास दो डायफ्राम है, नॉट द ट्रू डायफ्राम, ठीक है। दिस इज डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। सो इस डायफ्राम का नाम क्या हो जाएगा? डॉर्सल डायफ्राम, और इसका नाम हो जाएगा दूसरे वाले का वेंट्रल डायफ्राम। इसका नाम क्या हो जाएगा? वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है। तो बॉडी कितने हिस्सों में बट गई? तीन हिस्सों में बट गई, ठीक है। ऊपर वाले में हार्ट होता है, तो इस साइनस का नाम हो जाएगा पेरिकार्डियल साइनस। क्या नाम हो जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। इस वाले हिस्से में एलिमेंट्री केनाल होता है, तो इस हिस्से का नाम हो जाएगा पेरिविसरल साइनस। क्या नाम हो जाएगा? पेरिविसरल साइनस। इस वाले हिस्से में नर्व कॉर्ड होती है, तो इसका हो जाएगा पेरिन्यूरल साइनस। क्या हो जाएगा? पेरिन्यूरल साइनस। तो बॉडी अगर हम साइड से देखें, कॉकरोच को अगर हम देखो, ये कॉकरोच है, इसको हम साइड से देख रहे हैं इधर से, तो इसके पास कितने डायफ्राम है? दो, डॉर्सल एंड वेंट्रल। बॉडी कितने में डिवाइड हुई? तीन, 1, 2, 3। ऊपर वाले में हार्ट है तो पेरिकार्डियल साइनस, बीच में एलिमेंट्री केनाल है तो पेरिविसरल साइनस, नीचे नर्व कॉर्ड है तो पेरिन्यूरल साइनस, ठीक है। अब पेरिकार्डियल साइनस में क्या लोकेटेड होगा? आपका हार्ट। क्या लोकेटेड होगा? हार्ट। तो ये लास्ट चेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13 चेंबर हार्ट, राइट। अब यहां पे जो मास्टर सवाल है, हर दो चेंबर के बीच में वन पेयर ऑफ फैन शेप्ड एलरी मसल्स है। हर दो चेंबर के जंक्शन पे वन पेयर ऑफ फैन शेप्ड एलरी मसल्स है, तो टोटल पेयर ऑफ एलरी मसल्स कितने होंगे? यस गाइस, इन द चैट बॉक्स। तो टोटल पेयर ऑफ एलरी मसल्स कितने होंगे? पेयर पूछ रही हूं, टोटल पेयर कितने होंगे? 12। बिल्कुल सही अर्चना, वेरी गुड। यस, तो एलरी मसल्स के टोटल पेयर कितने होंगे? 12। 12 पेयर फैन शेप्ड मसल्स विच आर प्रेजेंट एंड कनेक्टिंग योर टर्गाइट। ये हो गया टर्गाइट, टर्गाइट और डॉर्सल डायफ्राम को जो मसल्स कनेक्ट कर रही हैं, उनका नाम है एलरी मसल्स। और ये किसको कनेक्ट कर रही हैं? टर्गाइट और डॉर्सल डायफ्राम को। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू चेंबर ऑफ हार्ट। तो 13 चेंबर है तो जंक्शन कितने हुए? 12। तो 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हो गई। समझ में आया गाइस? जल्दी से सेशन को लाइक करो और स्माइली बना दो चैट बॉक्स में कि यस मैम, आज हमें समझ में आ गया है। यस गाइस, गाइस समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट 557 स्टूडेंट्स है हमारे साथ, सुपर डुपर क्लियर। वाओ खुशी जा, जब तुम लोग ऐसा लिखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है। अभी इसी डायग्राम के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूं। जो हार्ट का लोकेशन है वो डॉर्सल है या वेंट्रल है? जल्दी से आंसर दे दो चैट बॉक्स में। जो हार्ट का लोकेशन है वो डॉर्सल है या वेंट्रल है? डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल। हर वक्त चाय बेटा, पानी है उसके अंदर अभी। सौरभ अभी पानी है उसके अंदर। यस गाइस, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल। अरे भाई, देसी बच्चों ने तो यार आज मचा दिया है। डॉर्सल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक।
What kind of a dil cockroach has? Neurogenic or myogenic? Kaisa dil hai cockroach ka? Neurogenic or myogenic? Yes guys, yes. Arre bhai macha diyo yaar, bilkul chat box aise hila diyo ho. Ooh la la. Yahan pe thode bachcho ne galat answer diya. Jaise ki yes, yes, yes. First answer tum Munmi Bora ne diya hai. Sharikat Hussain ne diya hai. Very good. Yes. बेटा यहाँ पे मायोजेनिक हार्ट अपन का उंदा है, इनका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है किसके फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक. एंड द ओपनिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया. क्या कहते हैं उसको? ऑस्टिया. ठीक है, तो ये था आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी. रेस्पिरेटरी सिस्टम, यस. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं हम. इनके पास क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए? ट्रेकियल सिस्टम. क्या होता है? ट्रेकियल सिस्टम. सो दे हैव ट्रेकिया. भाई इसका देखो सिंपल सा मैं डायग्राम बनाती हूँ बच्चों को याद करने के लिए. तो ये यहाँ पे मैम का खुद डायग्राम आ रहा है. ऐसे ही डायग्राम से मैंने हमेशा पढ़ाया बच्चों को, तो मैं सोच रही हूँ कि डायग्राम ऐसे बनाओ कि बच्चे एक बार में ही याद कर लें. सो ये हो गया उसका हेड, ये हो गया उसका थॉरेक्स, और ये हो गया उसका एब्डोमेन. ये क्या हो गया? उसका एब्डोमेन. ठीक है, यहाँ पे तीन सेगमेंट होते हैं, यहाँ पे दस, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस. ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी डिवाइडेड है. ठीक है, कैटरपिलर जैसा लग रहा है, हंसना मत मेरे डायग्राम पे नलायको, हंसना मत. तो देखो ट्रेकियल ट्यूब्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं? स्पाइरिकल्स और स्टिग्मेटा. ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड ओपनिंग, थर्ड ओपनिंग, फोर्थ ओपनिंग. ठीक है, तो ये तो हो गए टू पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स जो कहां पे लोकेटेड है? आपके थॉरेक्स में. फिर आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. यहां पे भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो यहां पे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो. यस, नलाय को हंसना शुरू कर दिया तुम लोगों ने. अनिकेत की तो बहुत हंसी छूट रही है ना अनिकेत. टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने हैं नलाय? सौरभ दो नहीं, बीस. ना 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 ना, बीस बीस बीस, ट्वेंटी. देखो दस इधर दस इधर, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स इज ट्वेंटी और टेन पेयर, और टेन पेयर. तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स है 20 और 10 पेयर. ठीक है, ये स्पाइरिकल्स होते क्या है? ओपनिंग होती है किसकी? ट्रेकिया की. ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया. बोलते बोलते गला बैठ गया. शुभम 30, शुभम 30 कैसे? 20 20 20 सही करो सही करो सही करो. ठीक है, अब यहां पे मैं एक नीट बॉम्बर बता रही हूं तुम्हें. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ नीट बॉम्बर. दिस इज नीट प्लस, जो हम एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं जो एनसीईआरटी में होती नहीं है बट इंपॉर्टेंट होती है नीट के लिए. सो ये है हमारा फर्स्ट थोरेसिक एंड दिस इज योर फर्स्ट एब्डोमिनल, फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल एंड दिस इज फर्स्ट थोरेसिक स्पाइरिकल. ये दोनों हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन, यानी कि इनके पास फिंस्टर नहीं होता है. दे आर ऑलवेज ओपन, चाहे कुछ भी हो ये हमेशा खुले रहेंगे, हवा आती और जाती रहेगी. ठीक है, बट बाकी जितने भी हैं वो सब क्लोज्ड रहते हैं. क्या रहते हैं? सब क्लोज्ड रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर एक्टिविटी कॉकरोच की ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे. तो उस केस में क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज दे रिमेन क्लोज्ड. आई बात समझ में? यस गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो बताती हूँ, जो फर्स्ट थोरेसिक होता है और जो फर्स्ट एब्डोमिनल होता है वो हमेशा ओपन रहता है, चाहे कॉकरोच की एक्टिविटी ज्यादा हो या कम हो. ठीक है, बट जो बाकी के स्पाइरिकल्स है वो तब खुलते हैं जब बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है. ठीक है, व्हेन द बॉडी डिमांड इज ज्यादा तब वो खुलते हैं, तब बॉडी में ऑक्सीजन आती है. सो बाकी के जितने स्पाइरिकल्स है दे हैव स्फिंक्टर फॉर द रेगुलेशन, बट द फर्स्ट एब्डोमिनल एंड फर्स्ट थोरैसिक डज नॉट हैव अ स्फिंक्टर, दे आर ऑलवेज ओपन. लिखा सबने? बेटा जल्दी से सेशन को लाइक करो, एवरीबडी हैज टू लाइक द सेशन, जल्दी से. यस,
Everybody quickly like the session and एक बार smiley बना दो chat box में. आजकल तुम अपनी attendance लगाते नहीं हो. Yes. I'm waiting for your smileys. जल्दी से. ओ भाई कुड़ी कैंडी एक बार स्माइली बना दो तो फिर आगे चलेंगे हम, है ना भाई? यस बिल्कुल. चलो ओके चलो इधर देखते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने पहले भी बताया था इनके पास मैल्फीजियन टिब्यूल्स होते हैं. अदर देन मैल्फीजियन टिब्यूल्स इनके पास फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड होते हैं. बट यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में होता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं होता है, क्योंकि दिस इज जॉइंट विद मशरूम ग्लैंड. और आपको पता है मशरूम ग्लैंड सिर्फ मेल कॉकरोच में मिलता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके नर्वस सिस्टम. नाउ कमिंग टू द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में इनके पास है नर्व कॉर्ड. क्या है बच्चा इनके पास? नर्व कॉर्ड. नोटोकॉर्ड है इनके पास. Do they have notochord? Prashant, do they have notochord? Jyoti, notochord होती है क्या कॉकरोच के पास या नर्व कॉर्ड होती है? चलो ये तो आंसर ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही. ये तो आंसर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. नोटोकॉर्ड नहीं होती है बिकॉज इट इज अ नॉन कॉर्डेटा. इनके पास नर्व कॉर्ड होती है एंड दिस नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. कहाँ होती है? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में होती है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. इनके पास क्या होते हैं? गैंग्लियाज होते हैं. गैंग्लिया आर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नर्वस सिस्टम. आ ही गया. देखो यहां पे सबसे पहले ब्रेन में है, ब्रेन के बाद ये देखो थोरैसिक, यहां तक थोरैसिक चल रहा है. सो वन गैंग्लियन थोरेक्स, सेकेंड इन मीजोथोरेक्स, थर्ड इन मेटाथोरेक्स. ठीक है, फिर यहां पे एब्डोमिनल गैंग्लिया, फोर्थ इन फोर्थ सेगमेंट, सॉरी फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, फिफ्थ वाला सेकेंड, सिक्स वाला थर्ड, सेवेंथ वाला फोर्थ, एंड फोर्थ और फिफ्थ के लिए कॉमन होता है ये वाला. ठीक है, देन सिक्स इन सेवन एंड सेवन इन एट. तो इस तरीके से आपके ग्लैंड्स और गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं. राइट गाइस? यस दिव्या, दे आर नॉन वर्टिब्रेट्स. एब्सोल्यूटली करेक्ट, बिल्कुल सही, सही जवाब. डन डन डन. कोई क्वेश्चन अभी तक? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमने पूरा कवर कर लिया. आगे मैम ने पूरा पढ़ाई दिया था ये तो आपको. यस वी हैव डन दिस आल्सो. ये भी फर्टिलाइजेशन भी हमने किया. और इसी के साथ आज का मतलब कि सेशन होता है समाप्त. तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, vdnt.in/medicalv, विच इज अमेजिंग टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आर चैनल फॉर ऑल द नोटिफिकेशन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो. कल सुबह 9 बजे हम लेंगे नाइट्रोजन साइकिल का एक बहुत अमेजिंग सेशन जिसपे मेंटी करेंगे एंड फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन इन प्लांट शुरू करेंगे. व्हाट डू यू से गाइस? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन प्लांट फ्रॉम टुमारो. सो बी देयर, बी ऑन टाइम. कल से प्लांट फिजियोलॉजी हमारी है. एक बार जाने से पहले लिख दो कि यस मैम प्लांट फिजियोलॉजी तो अब हमारी है बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम टुमारो. राइट, होमवर्क कर रहे हो तुम लोग? नलायको होमवर्क कर रहे हो ना? डेली तुम्हें होमवर्क मिल रहा है. आज भी शायद लिविंग वर्ल्ड का या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होमवर्क आज मिल जाएगा रात तक. यस यू विल गेट द होमवर्क बाय टुडे, टुडे नाइट. ठीक है, टुनाइट, वेटिंग फॉर टुनाइट. ठीक है, यस. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर मोस्ट अमेजिंग चैनल. गाइज 1 मिलियन तक किसका काम है? तुम्हारा काम है. एंड वन मोर थिंग विच आई नीड टू डिस्कस विद यू. कोई नहीं जाएगा अभी, द सेशन इज नॉट ओवर. Session is not over. There is a huge announcement that I want to make today. Want to make this today. Guys, okay. So, ma'am is starting with NEET 2021 batch. Yes, next year ke bachcho ke liye, I'm starting my biology batch. Bio ka batch shuru ho raha hai. So, aapki mujhe bahut badi help chahiye. What is the help that I need from you people? Please ask your juniors. Ask your juniors. School में जितने आपके juniors हैं, coachings में जितने आपके juniors हैं, please tell them कि अगर bio पढ़नी है, so there is this channel, Vedantu NEET Made Easy channel, जहाँ पे G square पढ़ाएंगी आपको biology. Right guys? With Ankita ma'am, chemistry Arvind sir पढ़ाएंगे, physics आपको Gaurav sir पढ़ाएंगे. So I really need this help from you people. So अभी हम एक session करने वाले हैं. अपने juniors को देखो, तुम्हें
बताना है. आपको भी हमारे बारे में किसी से पता चला होगा, जैसे आप उनके लिए थैंकफुल है इतनी मुश्किल के बाद भी, वी आर टेकिंग ऑल द क्लासेस, ठीक है, बिकॉज वी लव यू. द ओनली थिंग इज टीचिंग इज माई पैशन एंड आई लव माई स्टूडेंट्स. सो इसी चीज के लिए मैं आपसे आज एक हेल्प मांग रही हूँ कि प्लीज अपने जूनियर्स को बताओ हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि नाउ द 2021 बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे. बट जब तक आप नहीं बताओगे हाउ थिंग्स विल वर्क, राइट गाइज? सो प्लीज 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 टेल योर जूनियर्स कि येस, इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टडी विद फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज, देन देर इज दिस वेदांतु नीट मेड इजी, राइट गाइज? एवरीबडी, राइट? We will. You will do it for me. Please share karo post, and we are going to soon. We are planning on this. Please help me out with this. Right, guys? Thank you. So, aaj ke liye session ki samapti lete hain, and I love you all. So, kal hum nitrogen cycle aur respiration in plants cover karenge. So, be on time. Do not miss the class. Bye. Take care. Bye bye. Love you all. Pakka bolna hai beta. I really need this from you. Bye, take care, love you all. Da-dun-dun-dun-dun-dun.